युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 6 मार्च 2020 दिन शुक्रवार, फागुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज एकादशी तिथि सुबह 11:47 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप अपनी पर्सनालिटी को अपने बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस से सवार देंगे और आज लोगों के अट्रैक्शन का आप केंद्र बने रहेंगे और बिजनेस मीटिंग में भी अपने क्लाइंट्स और बॉस पर भी एक बेहतरीन इंप्रेशन डालेंगे। अपने पिताजी के लिए भी आज आप अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होंगे और आज आपके पिताजी की मुलाकात किसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट से हो सकती है जिससे आज उनके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर भी लग सकता है। छात्र भी आज अपने अध्यापकों को अपने आज्ञाकारी स्वभाव से प्रसन्न कर देंगे जिससे आपके अध्यापक आज सभी बच्चों को आपसे सीख लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आज आने वाले चुनावों में किसी बड़ी पार्टी का टिकट मिलने से आपकी राह आसान हो सकती है और आज पब्लिक के बीच भी आप काफी पॉपुलर रहने वाले हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु माँ रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री। परंतु आज आपके मामा जी के घर से आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अपने बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने से आज आपकी भागदौड़ भी बढ़ सकती है। आज आप काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। अपने माथे पर केसर का तिलक भी आप अवश्य लगाएं। इससे आज आपकी पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव हो जाएगी। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है और शादी के बाद चलने के बावजूद भी उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आप महसूस करेंगे कि ये रुकावटें धीरे धीरे दूर हो रही हैं और आपकी शादी की बात आगे बढ़ रही है। आज आप प्रातःकाल पवित्र होकर राम जी और सीता जी का एक चित्र अपने मंदिर में स्थापित करें और उस चित्र के सामने तुलसी की माला से रामचरितमानस की इस चौपाई का नियमित जाप करें। सुनि सिए सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तिहारी। मैं आपके लिए इस चौपाई को दोबारा दोहराने जा रहा हूँ। सुनि सिए सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तिहारी। यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब है, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, सादर निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।